विश्व जल दिवस 2018 यूनेस्को रिपोर्ट भारत के लिए परेशानी की पुष्टि करता है। 2050 तक भविष्यवाणी की गई प्रमुख जल संकट। 22 मार्च को विश्व जल दिवस से पहले यूनेस्को की रिपोर्ट को हर भारतीय के लिए जागृत करने के लिए सेवा देना चाहिए। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे भारत इस निराशाजनक स्थिति को दूर करने के लिए उठाए गए कुछ कदमों के साथ पानी के गहरे संकट में घूर रहा है। यह 2050 तक देश भर में तेज जल संकट की भविष्यवाणी करता है, साथ ही केंद्रीय भारत के कई हिस्सों में नवीकरणीय सतह जल संसाधनों का 40% वापसी करने से जूझ रहा है। हमारी नदियों में से आधे से अधिक भारी प्रदूषित हैं। संदूषण अब सतह की सतह के साथ ही एक समस्या नहीं है, बल्कि भूजल संसाधनों के साथ भी है, जो धातु के प्रदूषण और मानव मस्तिष्क के अनुचित निपटान से दूषित होने के लिए पाए गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले 5 वर्षों में 121 सेकंड 275 तक प्रदूषित नदियों की संख्या दोगुनी कर दी है, जिसके कारण इस राज्य के लिए नदियों में भारी मात्रा में सीवेज डाला जा रहा है। CPCB ने 2015 और 2016 के बीच सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा प्रस्तुत मासिक पानी की गुणवत्ता के विश्लेषण के आंकड़े एकत्रित किए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने 2009 राज्यों के माध्यम से 2275 नदियों के मूल्यांकन के लिए जैव रासायनिक ऑक्सीजन मान के आधार पर ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार पर 275 नदियों का मूल्यांकन किया। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत जलीय जीवन को कायम रखना। रिपोर्ट में पाया गया कि महाराष्ट्र में 49 प्रदूषित नदी के हिस्सों में मिथी, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, उल्हास, तापी, कुंडलिका, पंचगंगा, मोलामूता, पहर, पेंगंगा और वैतरणा शामिल हैं। असम में दूसरे स्थान पर 28, मध्य प्रदेश 21 के साथ तीसरा, गुजरात 20 और पश्चिम बंगाल 17। दक्षिण में स्थिति बेहतर नहीं है, जहां गोदावरी, कावेरी और कृष्ण सहित प्रमुख नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम है। आंध्र प्रदेश के जल कार्यकर्ता बोलसेट्टी और सत्यनारायण ने कहा, कृष्णा नदी में श्री सेलम बांध से पूरे कोई पानी नहीं है, जिसका अर्थ है कि पिछले 140 किलोमीटर समुद्र तक काफी हद तक सूखे नदी है। इसी प्रकार कावेरी मेतुर बांध से परे व्यवहारिक रूप से सूखा और स्थिति राजमुंदरी बांध के बाद गोदावरी नदी के साथ समान होती है। पहले से ही आंध्र प्रदेश के किसानों को पानी और गन्ने जैसे पानी की गहन फसलों को उगाने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि उन फसलों के विकास के लिए जो कम पानी की आवश्यकता होती है, सत्यनारायण ने कहा। वैज्ञानिकों ने यूनेस्को रिपोर्ट को एक साथ रखने में मदद की है, चेतावनी दी है कि भूजल के साथ स्थिति भी उतना ही गंभीर है। टेरी केएस की सरकार ने बताया कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भूजल की कमी कम हो गई है, कि यह लवणता का खतरा है। स्थिति अब भयावहता से मध्य भारत तक फैली हुई है, जहां ताजा सतह जल संसाधन कम हो गए हैं और बड़े पैमाने पर भूजल का उपयोग किया जा रहा है। CPCB चेतावनी देता है कि यदि स्थिति तत्काल उलट नहीं हो रही है, तो सभी उपयोगों के लिए मीठे पानी की मांग असहनीय हो जाएगी। JNU के जल विशेषज्ञ भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर विक्रम सोनी ने यूनेस्को की रिपोर्ट के साथ समझौता किया है, जिसमें कहा गया है कि हमने अपने शहरों से अनुपस्थित सुवेज के साथ हमारे नदियों को निकाला है। उद्योगों और कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रवाह से हमारे नदियां निर्मल या अविरावल नहीं हैं। इसका एकमात्र तरीका है कॉलोनी स्तर पर विकेंद्रीकृत तरीके से सभी सीवेज का इलाज शुरू करना। सरकार को उन सभी उद्योगों को ठीक करना और बंद करना आवश्यक है जो पुनरावृत्ति नहीं करते हैं और न ही उनके प्रदूषण को नदियों में सुरक्षित रूप से बांटते हैं।
योजना आयोग के पूर्व सदस्य मिहिर शाह ने चेतावनी दी थी कि हमारे पास 2030 तक केवल आधा पानी होगा। यही कारण है कि विशेषज्ञों ने देश के कृषि मानचित्र को फिर से तैयार करने और अधिक कुशल जल प्रथाओं पर स्विच करने की आवश्यकता पर जोर देते रहे। ड्रिप सिंचाई सहित तनाव का एक स्पष्ट संकेत वार्षिक प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता है। 1951 में यह 5177 क्यूबिक मीटर था, लेकिन 2011 में 1545 घन मीटर तक पानी गिरने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से 1700 क्यूबिक मीटर पर आ गया है। हालांकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 2010 में सिर्फ 938 घन मीटर में उपलब्ध कर दी थी और उम्मीद है कि यह 2025 तक 814 घन मीटर हो जाएगा। अनियमित कृषि और बाढ़ के पानी से अधिक पानी के मसौदे का पानी हमारे स्तर पर पानी के स्तर को कम करने का और भी गंभीर परिणाम होगा। अगर नदियों में पानी के स्तर के नीचे ये गिरावट नदियों से प्रदूषण झपकेगा और पूरी तरह से जमानियों को नष्ट कर देगा जो अपूरणीय हैं। न तो जल संसाधन मंत्रालय और न ही केंद्रीय जल आयोग ने इस समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। उन्हें तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है क्योंकि यह देश में अनजान पानी का एकमात्र स्रोत है। प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी और मैग्सेसी पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह ने भी देश की बड़ी संख्या में हर साल बढ़ते हुए अभूतपूर्व सूखे की स्थिति की चेतावनी दी है, जिससे लाखों किसानों को और अधिक संकट हो रहा है। सिंह ने कहा, भारत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। न तो केंद्र और राज्य सरकारें इस स्थिति से निपटने के लिए किसी भी दीर्घकालिक योजना से जुड़ी हैं। वह यह विडंबना और दुखद खोजता है कि सदियों से भारत ने सूखा का प्रबंधन करने के लिए एक विशेषज्ञता विकसित की थी और उन्होंने बाढ़ का प्रबंधन करने के बारे में एक विशेषज्ञता विकसित की थी। दोनों, उन्होंने कहा, एक सिक्का का एक ही पक्ष है। इन पारंपरिक समुदाय आधारित समय परीक्षण वाले मॉडल सूखा को कैसे संभालना है और हमारे जल संसाधनों ने यह सुनिश्चित करने में मदद की कि हमारी नदियों, झीलों और अन्य जल निकायों सदियों से बनी रहें, लेकिन आज पूरी तरह से उपेक्षा की जा रही है। यह विशेषज्ञता के एक क्षेत्र है कि हमें भारत और दुनिया भर में पदोन्नति करनी चाहिए थी। हम वन्य जीव और प्रकृति की रक्षा करने के लिए गुरु थे। अन्य देशों ने यह ज्ञान हमारे पास सीखा हो सकता था, लेकिन इन सभी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में केवल ग्रीन टेक्नोलॉजी पदोन्नत प्रौद्योगिकी की ऊर्जा दक्षता से संबंधित है, जबकि हमारे पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियां बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं होती हैं। केवल हमारे आधिकारिक प्रतिनिधि मंडलों की सहायता करने वाले लोग कॉर्पोरेट सलाहकार हैं, वे लाखों भारतीयों के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं, सिंह ने पूछा। सिंह ने कहा कि भारत को अन्य राष्ट्रों के लिए रैलिंग प्वाइंट बनने का एक बड़ा मौका गंवा दिया गया था। उन्होंने उदाहरण दिया कि प्रिंस चार्ल्स ने यूनाइटेड किंगडम में टेम्स नदी के बाढ़ के लिए समाधान प्रदान करने के लिए उनसे किस तरह संपर्क किया था। मैं उस स्थान पर आकस्मिक आकलन करने के लिए गया था। मैंने उन्हें पारंपरिक भारतीय समाधान के साथ प्रदान किया था, जहां नदी के प्रवाह उन जगहों पर छोटे बैरिज के निर्माण से धीमा हो गए थे। ठेठ भारतीय हल, जो ब्रिटेन सरकार ने खुशी से स्वीकार किया है। अब मुझे नदी के प्रवाह की निगरानी के लिए वहां समय समय पर आमंत्रित किया जाता है। ऐसे सैकड़ों भारतीय हैं जिनके पास इसी तरह की विशेषज्ञता है। सरकार अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग क्यों नहीं करती, उसने आश्चर्य किया। हमारे सभी जल निकायों में, चाहे हमारे नदियां या हमारे टैंक,
तालाबों और कुएं प्रमुख अतिक्रमण का सामना कर रहे हैं। हम अधिक निष्कासन की समस्या से भी ग्रस्त हैं। हमारे वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था उन विद्यार्थियों की नस्ल के साथ आई है जैसे कि मिट्टी, जलवायु और पानी के उपयोग को समझने के बिना कि ये विकासवादी संसाधन हैं जो अपूरणीय हैं। सिंह ने कहा, स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए नतीजों के अभियान के लिए अपने रैली में सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने प्रस्ताव किया है कि नदी के किनारों के साथ 1 किलोमीटर चौड़ा बेल्ट पेड़ को कवर करने के लिए आरक्षित किया जाएगा। उन्होंने आगे प्रस्तावित किया कि मुआवजे के वनीकरण निधि अधिनियम राज्य सरकारों को नदी के किनारों पर वृक्षों के विकास के लिए सालाना 6000 करोड़ रुपए उपलब्ध करा सकता है, क्योंकि ये एक कृषि समुदाय और बड़े पैमाने पर लोगों को पर्यावरण और आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे। ग्रह पर सभी पानी से केवल 2% ताजे पानी है। इस पानी का एक बड़ा हिस्सा दुनिया भर में रसायनों, औद्योगिक अपशिष्ट, क्वेज और उर्वरक द्वारा पहले ही दूषित हो चुका है। मानव उपभोग और कृषि के लिए केवल ताजे पानी का उपयोग किया जा सकता है। यह पानी मनुष्यों के लिए ही नहीं है, यह सभी जीवित प्राणियों के साथ साझा किया जाना चाहिए। और यह ताजा पानी का यह 2% है जिसे हमें सहेजने का प्रयास करना चाहिए।